हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 30i वर्सेस लावा ब्लेज 2 के बीच में स्पीड टेस्ट करेंगे फ्री फायर का, एंड रैम मैनेजमेंट देखेंगे। इस यहाँ पे 6GB 128GB में हमारे पास लावा ब्लेज 2 है एंड 8 128 में इन्फिनिक्स हॉट 30i है, लेकिन प्रोसेसर पावरफुल देखने को मिल जाता है लावा ब्लेज 2 में। तो देखेंगे इसकी कौन कैसा रैम मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया है एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किस में आपको बेटर देखने को मिलेगा। सो गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे दोनों फोन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, लावा और इन्फिनिक्स दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। एंड गाइस, ग्लास बैक मिलता है लावा में, जिसकी वजह से इन हैंड फील काफ़ी मस्त लगता है। एंड गाइस, यहाँ पे देखेंगे दोनों के बटन्स वगैरह काफ़ी सेम ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। हेडफोन जैक, माइक टाइप सी, स्पीकर, एंड लेफ्ट में भी देखेंगे सिम टूल किट भी। एंड ऊपर यहाँ पे लावा में सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में किसी भी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है, कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन लावा ब्लेज 2 का अच्छा लगा। वैसे इन्फिनिक्स का भी अच्छा है, लेकिन लावा ब्लेज 2 अच्छा लगा। इस चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले रिबूट टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी कौन पहले रिबूट कर पाता है। ओके, सो एक साथ यहाँ पे हम करने को ट्राई करते हैं गाइस। ओके, एक साथ हो गया फाइनली। इस यहाँ पे सेकंड चल रहा है एंड मैंने इसको स्पीड को वैसे बढ़ा दिया, लेकिन सेकंड आप देख सकते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। ओके, सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि टाइम ये दोनों ही फोन्स ले रहे हैं, लेकिन गाइस जो इन्फिनिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 35-36 सेकेंड हो चुके हैं, 40 सेकेंड लावा दोनों में वैसे शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। लेकिन फाइनल विनर कौन होगा और कितना टाइम लेगा वो आप देख सकते हैं भाई। ऑलमोस्ट 1 मिनट में ओपन किया लावा, लेकिन भाई इन्फिनिक्स मतलब 1.5 मिनट से भी ज़्यादा ले लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक ये ओपन नहीं किया, तो अब गाइस यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, कितना वेट करें। ओके, सो गाइस यहाँ से अब दोनों को ही रैम को सिंपली कर देते हैं क्लियर। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा रैम हो चुका है कंप्लीट, मतलब क्लियर। ओके, यहाँ से एक साथ ओपन करेंगे गाइस। सबसे पहले कॉल वाले ऐप को डायलर, एंड यहाँ पर देख सकते हैं लावा काफ़ी तेज़ी से लोड कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को ही वैसे सेम वाईफाई से भी हमने कनेक्ट कर दिया है। ओके गाइस, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो गाइस, मैसेजिंग ऐप, एंड यहाँ पे पासवर्ड लगा है इन्फिनिक्स में, सो इसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट गाइस कैमरा, एंड कैमरा में भी देख सकते हैं लावा ने पहले ओपन किया। एंड गाइस यहाँ पे फ्रंट में एक्सचेंज करके देखते हैं कि कौन पहले कर देता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लावा ही फ्रंट में भी पहले एक्सचेंज किया। चलते हैं इस नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो हो गई हमारा सेटिंग, एंड सेटिंग में भी देख सकते हैं लावा ब्लेज 2 ही हमें फास्ट देखने को मिला। नेक्स्ट गाइस चलते हैं क्रोम, एंड क्रोम में भी देख सकते हैं भाई लावा ही पहले ओपन किया, तो लावा बहुत ही सही परफॉर्म कर रहा है गाइस। यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो देखने को मिल जाता है यूनिसो का T610, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे फोटो वाले भी देख सकते हैं गाइस, जो भी इसमें देखने को मिल जाता है गैलरी का यूज़ के लिए। भाई गाइस यहाँ पे अब ओपन करते हैं इस ऐप को, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर थोड़ा सा पहले लावा में ही ओपन हुआ। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कैलेंडर, एंड कैलेंडर भी देख सकते हैं लावा ब्लेज 2 में ही पहले ही देखने को मिला, तो लावा वाला काफ़ी सही काम कर रहे हैं। बाकी इनमें भी कुछ दिक्कत थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा ही। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट लावा पहले ही हर ऐप को ओपन कर देता है। ये देख सकते हैं फाइल्स वाले को भी लावा ने काफ़ी पहले लोड कर दिया। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो वो गाइस हमारा मैप्स, एंड मैप्स में भी देख सकते हैं भाई लावा ने पहले लोड किया। तो ओवरऑल कहा जा सकता है तो लावा का जो स्पीड टेस्ट में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। यहाँ पे आई थिंक UFS 2.1 का यूज़ किया गया है, जबकि इन्फिनिक्स में EMMC यूज़ किया गया है, इस वजह से। भाई गाइस यहाँ पे यूट्यूब में भी देख सकते हैं भाई कि लावा ही पहले ओपन कर रहा है। तो एंड यहाँ पे गाइस हम सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन पहले सर्च कर लेता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च में भी हमारा लावा ही सर्च किया, तो लावा को ज़रूर से आप बाई कर सकते हैं भाई इस मामले में, देख सकते हैं आप क्लियरली कि इस प्राइस रेंज में मतलब इससे बेटर तो आई थिंक कि कोई नहीं प्रोवाइड करेगा 6GB RAM 128GB के साथ में। भाई गाइस अब फाइनल हम ओपन करते हैं फ्री फायर मैक्स को, एंड यहाँ पे दोनों में ही लोगो शो हो रहा है। बट गाइस यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल विनर कौन होगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लावा ब्लेज 2 आगे आगे चल रहा है, एंड फाइनल विनर भी भाई यही हो गया ऑलमोस्ट
तो गाइस यहाँ पे फाइनल हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन्फिनिक्स में वैसे उतना पावरफुल प्रोसेसर देखने को नहीं मिल जाता है जिसके वजह से ये थोड़ा पीछे ही रहता है, लेकिन भाई लावा इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा काम किया है। सो नो डाउट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी रैम मैनेजमेंट देख सकते हैं, इस लावा के फ़ोन में आपको एक भी ऐप रैम में देखने को नहीं मिलता है और यही इसका सबसे बड़ा इशू मुझे लगा रैम मैनेजमेंट के मामले में। जब भी आप कोई भी ऐप्स ओपन करते हैं बहुत सारे, तो उतने ऐप को रखता है। वैसे यहाँ पे मैं आपको इन्फिनिक्स दिखा दूँ तो इन्फिनिक्स ऑलमोस्ट देख सकते हैं सभी ऐप्स को ये रैम में रखा है। तो इन्फिनिक्स लेट ओपन किया लेकिन इसकी जो रैम मैनेजमेंट है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है एंड ऑलमोस्ट सारे ऐप्स को रखा है। एंड इन्फिनिक्स की रैम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी है सारे ब्रांड से मैं बोल सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दिक्कत यह है कि जितने भी ऐप्स आप ओपन कर लें लावा ब्लेज 2 में लाइक कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी छोटे छोटे ऐप्स ओपन करेंगे वो सभी को इजीली रैम में रखता है, यहाँ पे कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप YouTube ओपन किए कोई दिक्कत नहीं है, सभी रैम में है। लेकिन जैसे ही आप फ्री फायर ओपन करेंगे इन सभी ऐप्स को ओपन करने के बाद तो यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई। जैसा कि ये ऐप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया। ओके इस यहाँ पे चलिए मैं आपको रैम में ले चल कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं आपकी कोई भी ऐप रैम में नहीं रहता है, सिर्फ फ्री फायर ही रहता है। यही इस फ़ोन का गाइस मेन दिक्कत है। और वहीं पे अगर फ्री फायर ओपन करने के बाद आप जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को ओपन करेंगे तो वो गाइस रैम में रहता है। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ ऐप्स ओपन करते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारे ऐप्स को रैम में रखा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से फिर से फ्री फायर मैक्स को आप ओपन करेंगे लाइक यहाँ से देख सकते हैं ओपन कर दिया, अब यहाँ से देखिए रैम से सारे ऐप्स को फिर से निकाल दिया। तो इसमें भाई ये बहुत ही मेजर बग है और मैंने इसके लिए ट्विटर पर भी पोस्ट किया था वीडियो के साथ में। तो मैं भी वो देखिए कब तक फिक्स करेंगे लावा वाले, फिक्स कर देना चाहिए क्योंकि टाइम पर ये अपडेट आजकल दे रहे हैं तो ये फिक्स हो सकता है इशू। बस यही एक मेन दिक्कत लगा, नहीं तो और चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी चार्जिंग टेस्ट भी आएगा लावा ब्लेज 2 का। एंड गाइस यहाँ पे लावा ब्लेज 2 में आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में भाई कोई भी ब्रांड आई थिंक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा इतना स्मूथ एक्सपीरियंस एनिमेशन। वहीं पे गाइस इन्फिनिक्स में देख सकते हैं कोई भी ऐप ओपन करके क्लोज करेंगे तो कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि लावा ब्लेज 2 में वो एनिमेशन की वजह से बहुत ही मस्त फील देता है। सो क्लियरली लावा ब्लेज 2 काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन देखने को मिल जाता है। सो दोस्त फिलहाल उन्हें इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।